हेलो बच्चों, तो लास्ट ईयर मार्च के मंथ में मैंने ईटूज इंडिया दोबारा ज्वाइन किया था और मैंने सोचा भी नहीं था कि एक साल के अंदर मैं इतने सारे कोर्सेस बना पाऊंगा। सुपर सेवर कोर्स, टाइम सेवर कोर्स, परफेक्ट रिवीजन कोर्स, रैपिड रिवीजन कोर्सेस, इतने सारे मैंने एनसीईआरटी मास्टर के लेक्चर्स लिए, यूट्यूब पर लाइव सेशंस लिए और आप लोगों को, आप बच्चों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला कि नहीं। तो इस सारे प्यार के लिए, बहुत कंसर्न आप लोगों ने मेरे लिए शो किया और इतना इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का मेरे लिए रहा, इसके लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। हम कभी भी आगे बढ़ते हैं तो अकेले नहीं बढ़ते हैं, मतलब हम दूसरों से कॉम्पीट करते तो जरूर हैं लेकिन हम अपने आप को आगे ले जा करके ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन हमेशा अपने आप से। बच्चों तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं क्या? मित्रों तुम्हें खुद पे भरोसा है क्या? होमवर्क के क्वेश्चन गोल गोल। और कैसे हैं आप लोग, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं? ये क्या तुम प्रोजेक्टाइल मोशन लगा रहा है? पढ़ाई शुरू ही नहीं हो पा रहा सर, फिजिक्स में बहुत मजा आता है सर। ठीक है, यस वेरी गुड आंसर अचित अग्रवाल। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, पहली रिएक्शन है सोडा लाइम, इसमें इंटरमीडिएट कार्बेनायन बनता है। क्या बनता है? कार्बेनायन। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। दूसरा NaOH इलेक्ट्रोलिसिस, ये वाली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वेज डैश, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सोहॉल प्रोजेक्शन और फिशर प्रोजेक्शन पे। देखिए अगर रिएक्शन PCl3 के साथ है या P+H2 के साथ है तो SN2 होगा, इन्वर्जन होगा और इन्वर्जन को ऐसे बताया जाता है OH अगर अबाउ द प्लेन है तो यहाँ पर Cl की एंट्री बिलो द प्लेन होगी, यहाँ पर OH अगर अबाउ है तो Br- न्यूक्लियस। तो हम जानते हैं, अब पूरा हमने पढ़ लिया है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एस्टरीफिकेशन। बहुत सारी ट्रिक भी बता चुका हूं, याद है? यस yes.